गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डायरेक्टर विकास जी सर, मनोज जी सर एंड माय ऑल स्टाफ टीचर्स, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक कौवा जो कि पेड़ पे बैठा रो रहा था, कौवा पेड़ पे बैठा रो रहा था तो उसको नीचे से एक साधु जो है ना संत, वो जा रहा था तो साधु के ऊपर एक आंसू गिरा कौवे का। तो फिर साधु ने ऊपर देखा तो कहा कि कौवा तू क्यों रो रहा है? तो कौवे ने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है क्या मेरी? मैं रो रहा हूँ, ये काला रंग मेरा, सब गोरे रंग के पीछे भागते हैं, तो मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो फिर साधु ने कहा कि अगर तेरे को कुछ और बनने का मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? तो उसने कहा मैं तोता बनना पसंद करूंगा, अगर तोता होता तो मैं ज्यादा खुश होता। तो साधु ने कहा ठीक है, तू पर एक बार तोता तो मैं तुझे बना दूंगा, पर एक बार तू तोते के पास जाके पूछ क्या कि वो खुश है क्या अपनी जिंदगी से, वो कैसे बिता रहा है अपनी जिंदगी। तो फिर कौवा गया तोते के पास में, तो उसने कौवे ने पेड़ के पीछे चार पांच चक्कर लगाए, उसे तोता नजर नहीं आया। उसने काफी बार चक्कर लगाए, फिर लास्ट में जाके उसे एक तोता नजर आया। तो फिर उसने तोते से पूछा कि वाह रे तोते, तू तो कितना खुश होगा अपनी जिंदगी से, हरा हरा रंग तेरा, सब तेरे को पालते हैं घर पे, मिट्टू मिट्टू बुलाते हैं, मिर्ची खिलाते हैं, तू तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी से। तो तोते ने कहा कौन बोला तुझे, बिल्कुल भी खुश नहीं हो अपनी जिंदगी से, क्या तूने पेड़ के चार पांच चक्कर निकाले, तेरे को नजर आया मैं? नहीं ना, तो ये भी कोई भला जिंदगी है, हरा रंग, क्या मैं तो पेड़ में मिक्स हो गया, मिला ही नहीं मुझे कुछ, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं अपनी जिंदगी से। तो कौवा फिर से साधु के पास आया, उसने कहा कि तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो मैं तोता भी नहीं बनूंगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर क्या बनना पसंद करेगा बता, कौवा भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। तो उसने कहा मैं मोर बनना पसंद करूंगा, कि मोर कितना सुंदर होता है, वो उड़ता है, लोग उसकी फोटो खींचते हैं, मोर पंख अपने घरों में ले जाते हैं, पूजा घर में रखते हैं, तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा। तो साधु ने कहा तो मैं मोर बनना पसंद करूंगा। तो साधु ने कहा ठीक है, मोर तो मैं तुझे बना दूंगा, पर तू एक बार मोर के पास चला जा और उससे पूछ कि वो अपनी जिंदगी से खुश है क्या। तो कौवा गया मोर के पास में, तो उसने कहा कि वाह रे मोर, तू तो बहुत खुश है अपनी जिंदगी से, कितना सुंदर है, तेरा कलर तक कितना अच्छा है, लोग तेरी फोटो खींचते हैं, मोर पंख लेके जाते हैं। तो मोर ने कहा कि ये भी कोई भला जिंदगी है क्या, शिकारी आता है, मेरा शिकार कर लेता है, मेरे मोर पंख किस काम के, ये मेरे पंखों को तोड़ देता है अपने घरों में लगाने के लिए, तो तुझे किस शिकारी का डर है क्या, मैं तो खुश नहीं हूँ अपनी जिंदगी से। तो फिर उसने पूछा कि ठीक है तो मोर तू ही बता कि अपनी जिंदगी से खुश कौन है। तो मोर ने कहा कि तू खुश है, मोर ने कहा कि तू खुश है कौवा अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा। तो उसने पूछा कैसे, बोले तुझे किसी शिकारी का डर कि तुझे कोई मारेगा, तुझे कोई पिंजरे में बंद करेगा, पालेगा, घर पे ले जाएगा? नहीं ना, तो ये कोई तोते की मोर की जिंदगी है क्या, सबसे अच्छी जिंदगी तो तेरी है, तो क्यों दूसरों से जल रहा है कि उसकी जिंदगी अच्छी है, कोई खुश नहीं है, जो आप हो ना वो बेस्ट हो, बेस्ट कर रहे हो और ट्राई करो कि बेस्ट से भी बेस्ट करना है। तो इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला, कि आप जो हो ना वो क्या हो, बेस्ट हो। आप ये सोचो कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है, मैं बेस्ट हूँ और मुझे और बेस्ट करना है, अच्छा कर रहे हो सब, और अच्छा करो, बिल्कुल अच्छा होगा। थैंक यू।